एनसीईआरटी बुक इंग्लिश रीडर स्पेशल सीरीज क्लास फोर्थ लेसन सिक्स लिटिल रेनड्रॉप्स, बारिश की छोटी छोटी बूंदें। ये लेसन एक पोम है, एक बहुत ही सुंदर सी कविता है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं कविता का हिंदी अनुवाद उसके भावार्थ के साथ बताऊंगी। लेसन सिक्स लिटिल रेनड्रॉप्स। रेनड्रॉप्स मतलब पानी की बूंदें। यहाँ हम एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक बच्चा अपने घर में खड़ा है। खिड़की के पास एक छोटा सा बच्चा है और बाहर बारिश हो रही है। स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ओ वेयर डू यू कम फ्रॉम यू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन पिटर पैटर पिटर पैटर डाउन द विंडो पेन। बच्चा कह रहा है कि ये छोटी छोटी पानी की बूंदें तुम कहाँ से आई हो, और जैसे ही तुम विंडो पैन मतलब खिड़की के पल्ले या शीशे से टकराकर नीचे बहती हो तो आवाज़ करती हो पिटर 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 पिटर। दे वोंट लेट मी वॉक, दे वोंट लेट मी प्ले एंड दे वोंट लेट मी गो आउट ऑफ डोर्स एट ऑल टुडे। मतलब वो मुझे बाहर घूमने के लिए जाने नहीं देते, बाहर खेलने नहीं देते, और मुझे बाहर बिल्कुल जाने नहीं मिल रहा है। तो बच्चा ये किससे कह रहा है? अपने पेरेंट्स या गार्जियन, जो उसके घर के लोग हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो उसको बाहर जाने को नहीं मिल रहा है बारिश के कारण। दे पुट अवे माई प्ले थिंग्स बिकॉज आई ब्रोक दैम ऑल एंड देन दे लॉक्ड अप माई ऑल ब्रिक्स एंड टुक अवे माई बॉल। उन्होंने मेरे खेलने की चीज़ें मुझसे दूर कर दी हैं क्योंकि मैं उनको तोड़ देता हूँ, और मेरी जो ब्रिक्स मतलब जो मेरे ब्लॉक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं खेलने वाले बच्चों के ब्लॉक्स, वो भी उन्होंने लॉक करके मतलब कहीं दूर उससे रख दिए हैं, और मेरी बॉल को भी दूर कर दिया है और मैं बाहर भी नहीं जा सकता। टेल मी लिटिल रेन ड्रॉप्स इज दैट अ वे यू प्ले पिटर पैटर पिटर पैटर ऑल द रेनी डे। तो छोटी छोटी बारिश की बूंदें मुझे बताओ क्या ये तरीका है तुम्हारा खेलने का? तुम तो पिटर पैटर पिटर पैटर पूरे दिन कर रही हो और मैं तो खेल भी नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे कारण। दे से आई एम वेरी नॉटी बट आई हैव नथिंग एल्स टू डू बट सिट हियर एट द विंडो आई शुड लाइक टू प्ले विथ यू। वो कहते हैं कि मैं बहुत शरारती हूँ पर मेरे पास करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ खिड़की के पास बैठा हूँ। एट द विंडो मतलब खिड़की के पास बैठा हूँ, और क्या मुझे तुम्हारे साथ खेलना चाहिए? लास्ट स्टैंजा है द लिटिल ड्रॉप्स कैन नॉट स्पीक बट पिटर पैटर पट मीन्स वी कैन प्ले ऑन दिस साइड व्हाई कांट यू प्ले ऑन दैट। बारिश की बूंदें बोल तो नहीं सकती लेकिन वो पिटर पिटर पट जो पटपट की आवाज आती है ना, बूंदें गिरती हैं तो उसकी आवाज आती है और ऐसा लग रहा है कि वो बोल रही हैं कि मैं इस तरफ खेल रही हूँ, तुम वहां पर क्यों नहीं खेलते, मतलब घर के अंदर। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी पोम थी। इसके पोएट है अन हॉकशॉ, और ये जो 4-4 लाइन का डिफरेंस हमने लिया है ये पोम के स्टैंजा कहलाते हैं। तो इसमें कितने 6 स्टैंजास थे, देखिए ये 1 ये 2 3 4 5 एंड 6। अब स्टार्ट करते हैं इसका सेंट्रल आइडिया, मतलब कहानी का सार। दिस इज अ वेरी सिंपल पोम विच एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ अ चाइल्ड हु विशेस टू प्ले बट कांट डू सो बिकॉज इट्स रेनिंग। हियर द चाइल्ड इज स्टैंडिंग एट द विंडो looking out and complaining about the restrictions imposed on him. How innocently he says, oh, where do you come from? You little raindrops of rain. The little raindrops feel that the child could play inside as well as they do outside.
इसका मीनिंग है हिंदी में, कविता का सार है, यह एक बहुत सरल और सादी कविता है जो कि एक बच्चे की मन की इच्छा को व्यक्त करती है कि वह खेलना चाहता है पर नहीं खेल सकता क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। वह बच्चा खिड़की के पास खड़ा है, बाहर देख रहा है और जो बंदिशें मतलब रोक टोक उस पर लगाई गई हैं उसकी शिकायत कर रहा है। कंप्लेनिंग मीन्स शिकायत। और कितनी मासूमियत से, इनोसेंटली मतलब मासूमियत से वो कहता है कि हे बारिश की छोटी छोटी बूंदे तुम कहाँ से आई हो, क्योंकि गुस्सा हो रहा है ना बारिश के कारण, वो खेल नहीं पा रहा है और ऐसा लगता है कि वो जो छोटी छोटी बूंदे है ना उससे बोल रही है या कहना चाहती है कि बच्चे तुम घर के अंदर भी खेल सकते हो और मैं बाहर बरस सकती हूँ, मतलब मैं बाहर बारिश करूंगी तुम घर के अंदर खेलो। ग्लॉसरी। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन मीन्स रेन फॉलिंग इन द फॉर्म ऑफ शार, जैसे शार शार हम लेते हैं नहाते समय, बस उसी तरह पानी की जब बूंदे बरसती हैं तो वो उसे हम कहेंगे बारिश की बूंदे, छोटी छोटी बूंदे। वोंट लेट मी वॉक मतलब वोंट अलाउ मी टू गो आउट, मतलब मुझे बाहर नहीं जाने देते। ब्रिक्स। यहाँ ब्रिक्स क्या है, प्लास्टिक या वुडन ब्लॉक्स यूज्ड एज अ टॉय फॉर यंग चिल्ड्रन टू प्ले विथ। तो बच्चों के जो खेलने वाले ब्लॉक्स होते हैं ना, बच्चों के खिलाने वाले ब्लॉक्स, ये देखिए इससे आपको समझ में आएगा कि जो ब्लॉक्स होते हैं जिसको जोड़ जोड़ कर इस तरह से बिल्डिंग्स बनाते हैं, बच्चे से इसको गुम भी कर देते हैं और इसको खेलने में बहुत मजा आता है, तो ये छोटे बच्चों के खिलौने हैं, इसी को यहाँ ब्रिक ब्लॉक्स कहा गया है, तो इसे ब्रिक्स कहा जाता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यहाँ आई का मतलब आई हैव नथिंग एल्स टू डू, इसका मतलब है द चाइल्ड इज अनएबल टू डू एनीथिंग, मतलब बच्चा कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। विंडो पेन। विंडो पेन का मतलब होता है पीस ऑफ ग्लास इन अ विंडो, मतलब खिड़की में जो लगा हुआ शीशा होता है या पल्ला जिसको हम कहते हैं ना इस तरह का, इसको विंडो पेन कहते हैं, ये विंडो पेन। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइजेस इसके स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइजेस में हम सबसे पहले करेंगे लिसन एंड रिपीट, मतलब सुनो और दोहराओ। प्ले गे मे रेन पेन गेन टुक बुक हुक सिट हिट बिट। तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स ये हो गए और ये आपका लिसन एंड रिपीट हुआ। कॉम्प्रिहेंशन का ए वाला पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द चाइल्ड आस्किंग द रेन ड्रॉप्स इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा मतलब जो कविता की पहली चार लाइन थी उसमें बच्चे ने क्या कहा है रेन ड्रॉप से, तो बच्चे ने क्या कहा, उससे पूछा है, तो चाइल्ड इज आस्किंग दैट, तो चाइल्ड इज इसको हमने यहाँ लगा दिया यहाँ पर, और आस्किंग दैट बच्चे ने पूछा वेयर डू यू कम फ्रॉम, मतलब तुम कहाँ से आई हो। हाउ डू द रेन ड्रॉप फॉल, रेन ड्रॉप कैसे गिर रही है। आंसर पिटर पेटर पिटर पेटर। वेयर इज द चाइल्ड स्टैंडिंग, बच्चा कहाँ खड़ा है। द चाइल्ड इज स्टैंडिंग एट द विंडो, एट का मतलब विंडो पर खड़ा है नहीं है, विंडो के पास खड़ा है के लिए हम प्रपोजिशन एट यूज करते हैं, एट द विंडो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द चाइल्ड वॉन्ट टू डू, बच्चा क्या करना चाहता है। Child wants to play outside. बच्चा बाहर खेलना चाहता है। What has happened to his playthings? मतलब उसकी खेलने की चीजों के साथ क्या हुआ? Answer: His parents has put away his playthings. यानी उसके parents या guardian जो भी उसके घर में है उन्होंने उसको दूर कर दिया उसकी खेलने की चीजों को। कोई भी कारण हो सकता है, वो तोड़ फोड़ देता था या ज्यादा शरारते कर रहा होगा इसलिए। Number 6, they said, I'm very naughty. Who is the child speaking about in this line? उन्होंने कहा कि मैं बहुत शरारती हूँ। तो ये जो sentence आपने देखा, I'm very naughty, they said I'm very naughty, ये एक sentence है। इसमें they का क्या मतलब है? मतलब किसने कहा? Child किसके बारे में बात कर रहा है इस line में? ये जो पूरी line है ना, they said I'm very naughty, इसमें दे मतलब कौन है, मतलब child किसके बारे में बात कर रहा है? तो might be उसके parents हो सकते हैं, तो his parents, his यानी उसके प्रोनाउन है his यहाँ। बट आई हैव नथिंग एल्स टू डू, पर मेरे पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। ये जो एक लाइन है इस पे गौर करो,
बट आई एम नथिंग एल्स टू डू, पर मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है. वॉट फीलिंग्स ऑफ चाइल्ड इज एक्सप्रेस थ्रू दिस लाइन. तो बच्चा इस लाइन, ये जो लाइन उसने बोला, इससे वो क्या अपने मन की कौन सी भावना को व्यक्त करना चाहता है, कौन सी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है. तो आंसर था चाइल्ड गेट्स बोर्ड, मतलब बच्चा बोर हो रहा है. नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द रेन ड्रॉप्स डू. बारिश की बूंदे क्या करती है. द रेन ड्रॉप्स डू पिटर पटर पट, पिटर पटर पट की आवाज करती है. नंबर बी, कॉम्प्रिहेंशन का ए हमने देख लिया. आंसर दिस क्वेश्चन बी है, लेट सर्च द राइमिंग वर्ड्स इन द पोम एंड राइट. तो राइमिंग वर्ड्स हम लिख देंगे पोम के और लिखेंगे, और कहाँ से ढूंढेंगे राइमिंग वर्ड्स को, हर एक स्टेंजा में. जैसे रेन के साथ पेन आया था, तो दूसरी और हर स्टेंजा की दूसरी और चौथी लाइन का आखिरी शब्द आप देखेंगे ना, तो आपको क्या मिल जाएंगे, राइमिंग वर्ड्स मिल जाएंगे. जैसे रेन पेन था, उसके बाद अगली चार लाइन थी, दे वोंट लेट मी वॉक, दे वोंट लेट मी प्ले एंड दे वोंट लेट मी गो आउट ऑफ द डोर्स एट ऑल टूडे. तो इसमें मुझे प्ले और टूडे एक जैसे ध्वनि वाले शब्द हैं, उसी को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स. नेक्स्ट लाइन थी, दे पुट अवे माय प्ले थिंग्स बिकॉज आई ब्रोक देम ऑल एंड देन दे लॉक्ड अप ऑल माय ब्रेक्स एंड टुक अवे माय बॉल. तो इसमें मुझे मिला ऑल एंड बॉल. तो आप सेकेंड और फोर्थ लाइन हर एक स्टेंजा की देखेंगे, तो इसी तरह से आपको मिलते जाएंगे. तो फिर मुझे मिला था प्ले डे, फिर मिला मुझे डू यू, फिर दूसरी और चौथी लाइन में मुझे मिला सेकेंड एंड फोर्थ लाइन में पेट दैट. और ये सिक्स स्टेंजा थे, तो फिर से मैंने से रेन और पेन को लिख दिया. फर्स्ट स्टेंजा का ये वाला था कंप्लीट करने के लिए. इसके बाद लेट्स राइट, लेट्स राइट कंप्लीटिंग द सॉरी कंप्लीट द फॉलोइंग. तो इनको आपको कंप्लीट करना है, किसको तो देख के करना है, पोम को देख के करना है. वेयर डू यू कम फ्रॉम, यू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन, पोम को देख के करना है. दे वोंट लेट मी गो आउट ऑफ डोर्स एट ऑल डे, दे लॉक्ड अप माई ऑल ब्रिक्स. फुल स्टॉप आते तक ना आपको इसको कंप्लीट करना है. यहाँ पे बाकी के वर्ड्स थे, तो हमें समझ में आ गया कि मिसिंग वर्ड्स जो जो हैं वो पोम से देख कर करना है. टेल मी लिटिल रेन ड्रॉप्स इज दैट द वे यू प्ले, बट आई हैव नथिंग एल्स टू डू बट सिट हियर एट द विंडो. लास्ट कैन नॉट स्पीक वाली लाइन, द लिटिल ड्रॉप्स कैन नॉट स्पीक बट पिटर पटर पट. तो ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए पोम को देख के. लेट्स डू, ये लास्ट है आपका. लेट्स डू में ए है और बी है. लेट्स डू का ए, लेट्स डू मीन्स आओ करे. कंप्लीटिंग दीज डॉट्स पिक्चर्स एंड कलर इट एंड राइट 5 सेंटेंसेस ऑन इट. तो आप क्या करना है, ये जो डॉट्स हैं उनको इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मिला देना. तो फिगर वैसे तो बहुत ही प्रिटी क्लियर है कि यहाँ एक मशरूम उगा हुआ है और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मेंढक यानी फ्रॉग बैठा हुआ है. इसको फिर आप कलर कर देना. तो हम फ्रॉग पर 5 लाइन सेंटेंसेस लिखना है. तो फर्स्ट सेंटेंसेस आप मन से लिख सकते हैं. पहला सेंटेंस, अ फ्रॉग इज सिटिंग अंडर द मशरूम. फ्रॉग मशरूम के नीचे बैठा है. फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन इन वाटर. तो आपको पता होगा कि जो फ्रॉग होते हैं ना, वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी, इसलिए उनको एम्फीबियंस कहते हैं. एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी चल सकते हैं. सेंटेंस 3, फ्रॉग्स जंप्स वेरी लॉन्ग. आपको पता है कि ऐसे फुदक फुदक के कूद कूद के चल रहे, तो बहुत लंबी जंप लगा लेता है फ्रॉग. सेंटेंस 4, फ्रॉग्स मूव बाय हॉपिंग. आपको पता है बर्ड, फ्रॉग या हॉप हॉप करके चलते हैं ना, तो फ्रॉग्स कैसे मूव करते हैं, हॉप हॉप करके. सेंटेंस 5, फ्रॉग्स हैज वेब्ड फीट. तो आपने अभी पिक्चर में देखा कि उनके जो पंजे, उनके पैर होते हैं, वो कैसे वेब्ड होते हैं. वेब्ड फीट क्यों होते हैं, स्विमिंग के लिए. जितने भी एनिमल्स ऐसे होते हैं जो स्विम कर सकते हैं, उनके फीट वेब्ड यानी जालीदार होते हैं.
तो फ्रॉक्स के बारे में आप बहुत सारी जानकारी और गूगल से आप ले सकते हैं कि फ्रॉक्स एम्फीबियंस होते हैं और वो रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल होते हैं, और इनके जो एग्स होते हैं वो शेललेस यानी शेल नहीं होता उसमें। बहुत सारी नॉलेज आप फ्रॉक्स के बारे में ले सकते हैं। अब देखिए, जो अभी हमने क्या किया था, लेट्स टू किया था ना, अब उसमें हमको बी वाला जो पार्ट है उसमें हमको ऐसे गेम्स के नाम बताना है जो कि हम इंडोर मतलब घर के अंदर खेल सकते हैं, वो भी कब, जब बाहर बारिश हो रही हो। तो हम रेनी सीजन में कौन कौन से गेम्स खेल सकते हैं, इसको देखते से समझ में आ गया होगा। इन सब के नेम आप गेस करो। ये सारे आपको गेम समझ में आ रहे होंगे, इनके अब हम नेम देखते हैं वन बाय वन। तो लेट्स टू का ही बी था, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ गेम्स यू प्ले इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में आप कौन कौन से गेम्स खेल सकते हैं, बहुत सारे गेम्स हैं। एक पासिंग द पास, कैसा होता है पासिंग द पास, इस तरीके से म्यूजिक बजाओ और एक चीज को लो और पास करते रहो, पास करते जाओ, और पास करते करते जहां पर भी म्यूजिक रुकेगा वहां पर क्या हो जाएगा, ये उस वो क्या करना पड़ेगा, उसको कोई ना कोई टास्क करना पड़ेगा, ये मालूम है आपको, है ना। इस तरीके से पासिंग द पास खेलेंगे। नेक्स्ट कैरम, कैरम तो वेल नोन है, बहुत अच्छे से पता है कैसे खेलते हैं कैरम। नेक्स्ट टिक टैक टू, टिक टैक टू मालूम है ना, इस तरीके से ये गेम भी पता होगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ये गेम बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, इस तरीके से इसमें अलग अलग शेप्स एंड डिजाइंस बनाना। फ्रीज डांस, फ्रीज डांस अब ये किस तरीके से है कि म्यूजिक बजाओ और उसके बाद उस म्यूजिक के अच्छे से कोई सॉन्ग बजाओ और उस पे सारे बच्चे डांस करेंगे, या घर के लोगों के साथ भी आप ये खेल सकते हो। और जैसे ही म्यूजिक को कोई एक स्टॉप करेगा सडनली, और आपको एकदम स्टॉप हो जाना है यानी फ्रीज हो जाना है, जो भी हिलेगा वो आउट, तो और जो लास्ट में बचेगा वो विनर। इसी तरह से बार बार म्यूजिक ऑन करेंगे फिर बंद करेंगे, और सब जैसे भी पॉस्चर में हो और उनको वहीं स्टॉप हो जाना होगा, ठीक है। तो ये आपकी आपका ये जो पूरा लेसन है, लेसन 6 लिटिल रेन ड्रॉप्स, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।